दो ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडियन को ऑस्कर अवार्ड मिला है, जैसे गुलजार साहब है, जैसे रसूल पुकुट्टी को मिला है फॉर द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर, वो उसके साउंड मिक्सिंग साउंड एडिटिंग में थे। और इसी तरह सत्यजीत रे को भी मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। और अब जो है हम लोग एकदम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट डेज जो कुछ है, कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेज आते रहते हैं एग्जाम में, तो ये आपके सामने जो डेज है देख लीजिए आप, कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस साल का जो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है आई एम एंड आई विल, तो ये भी याद रखिएगा आप। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी, नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी, वर्ल्ड यूनानी डे, ये हकीम अजमल खान के बर्थडे पर हम लोग मनाते हैं 11 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, नेशनल वीमेंस डे, देखिए यहाँ पर नेशनल वीमेंस डे बोला, इंटरनेशनल वीमेंस डे नहीं, इंटरनेशनल वीमेंस डे अलग है, नेशनल वीमेंस डे अलग है, तो नेशनल वीमेंस डे आप याद रखिएगा मनाया जाता है 13 फरवरी को, अगर इंटरनेशनल वीमेंस डे बोलेगा तो होगा आंसर 8 मार्च। उसके बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी, नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे जो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसी साल जो है या मतलब ये उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी के ही दिन रमन इफेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, सीवी रमन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इनको इन्वेंट किया था, डिस्कवर्ड किया था। उसके बाद रेयर डिजीज डे, ये हर साल लास्ट डे फैब के लास्ट डे में मनाया जाता है, चूंकि इस साल जो है लीप ईयर था और 29 फरवरी था, तो ये मनाया गया 29 फरवरी को। इस तरह हम लोगों ने करंट अफेयर्स फैब का कंप्लीट किया, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।